वेलकम फ्रेंड युक्ति आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं अमर अरविंद आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। हालांकि कल का लास्ट डे का न्यूज एनालिसिस किसी कारणवश नहीं हो सका, उसे लिए क्षमा प्रार्थी हूं। आज 24 अगस्त है। राष्ट्रीय संस्करण न्यूज में दैनिक जागरण के न्यूज में आपके लिए पीटी प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू ओरिएंट कौन सा न्यूज इम्पोर्टेंट है उसे देखेंगे, और उसके साथ साथ पीटी फैक्ट और भी बहुत से न्यूज होते उसको भी कवर करते करते जाएंगे। चलिए उससे पहले जो भी हमसे अभी जुड़ रहे हैं, हमारे नए व्यूअर हैं, नए स्टूडेंट हैं, सभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएँ, सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी दबाएँ ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और जो हमारे पुराने मित्र हैं ताकि और शेयर भी करें ताकि और भी लोग हमसे जुड़ सके। युक्ति आईएएस आपके लिए बहुत सा प्लेटफॉर्म लेकर आया है टॉप 10 सीरीज का। हालांकि सब पर काम अभी चल रहा है, इसलिए कुछ दिनों से वीडियो अपलोड नहीं हो रहा है, पर अब रेगुलर अपलोड होगा। उसी तरह बीपीएससी स्पेशल सीरीज चलाया जा रहा है जो बहुत ही उपयोगी है आप लोगों के लिए, आगामी जो भी एग्ज़ाम से डीपीओ और बीपीएससी 67 होने वाला उसके लिए। और भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर किया जाता है उसे ज़रूर देखिए, क्योंकि जो न्यूज़ में छूट जाता है कवर नहीं किया जा सकता है, किया जा चुका कर किया जाता है उससे से उसी के संदर्भ में इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को कवर किया जाता है, तो इसलिए ज़रूर सभी फॉर्मेट को देखें। चलिए आज देखते हैं हम लोग, एक सेकेंड उससे पहले सब चेंज कर लिया जाए। चलिए आज आपके लिए पीटी प्लस मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसमें कवर किया गया है, उसे ज़रूर देखिए। और आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं, पहला ही आप लोगों को फ्रंट पेज पर न्यूज देखने को मिलेगा, सरकारी संपत्ति से 6 लाख करोड़ जुटाएगी सरकार। तो 6 लाख करोड़ जुटाएगी सरकार, तो इसके लिए बहुत से आप लोगों को न्यूज़ में आप लोगों को इसका पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट न्यूज़ आप लोगों को अभी तक सुन लिए होंगे न्यूज माध्यमों से और विभिन्न लोगों के माध्यमों से। पर एक आप सिविल एस्पिरेंट है, सिविल स्टूडेंट है, अधिकारी बनना चाहते हैं, तो उसके संदर्भ में आप लोगों को न्यूज़ को कवर करना होता है, तो उसी के संदर्भ में बहुत सी चीज़ें आप लोगों को यहाँ से की फैक्ट लेनी होगी, उठानी होगी, ताकि बहुत से जो आप लोगों को एग्ज़ाम जो भी आगामी एग्ज़ाम होने वाले उसमें उपयोगी हो सके पीटी मेंस और इंटरव्यू के ओरिएंट से। तो इसमें बहुत सा फैक्ट आप लोगों को दिया गया है, उसको आप कवर कीजिएगा, उसे जूम करके थोड़ा दिखा दूँ, उसके बाद आगे बढ़ें की नोट के रूप में क्या है। तो यह योजना 2021-22 से 24-25 के लिए होगी। 2025 में लक्ष्य भारत का रखा गया है कितना, $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए उसी के संदर्भ में। तो इसके लिए बहुत सी योजनाओं पर लीज सरकार एसेट के रूप में सौंपेगी अपनी संपत्तियाँ को। तो उसके लिए ब्राउन फील्ड एसेट की चर्चा की गई है, ग्रीन फील्ड एसेट की चर्चा की, नेशनल मोटराइजेशन पाइपलाइन के संदर्भ में चर्चा की गई है। तो इसके संदर्भ में बहुत सी बातें, बहुत सी फैक्ट आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, तो आप लोग यहाँ से की फैक्ट को निकालिए, अपने की नोट्स के रूप में इसे यूज़ कीजिएगा। इसी बात को दोबारा पढ़ना उचित बताना उचित नहीं होता है। इसके संदर्भ में बहुत सा फैक्ट दिया हुआ है, कहाँ से कितनी परिसंपत्तियों का अर्जन करेगी सरकार, और सरकार ये स्पष्ट कर दी है पहले ही। आप लोग अगर किसी नेगेटिव बायस के प्रभाव में हैं तो आप लोगों को पहले ही बता दिया जाए, इस योजना का तक किसी संपत्ति को बेचा नहीं जाएगा, ये स्पष्ट कहा गया है, ये कहीं न्यूज़ में है, इसे आप देख लीजिएगा, ये बात कही गई है, तो इसको देख लीजिएगा आप लोग कहाँ है, थोड़ा सा अभी नज़र नहीं आ रहा है। स्पष्ट कही है सरकार इस न्यूज़ इस नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर जो पाइपलाइन है उसके तहत जो परिसंपत्तियां जुटाई जा रही है उसमें यह न माना जाए कि सरकार निजी हाथों में अपनी परिसंपत्तियां, जो सरकारी संपत्तियां होती है, जो लोगों की संपत्ति होती है, उसे निजी हाथों में बेच देगी, उसको कुछ समय के लिए लीज पर देगी, उसका उपयोग कर सकती है। जैसे आप अहमदाबाद स्टेशन को देख सकते हैं, जो स्टेशन पर ये 5 स्टार एक होटल बनाया गया, और बहुत सी योजनाएं इस तरह चलती है जिसमें सरकारी ज़मीन पर प्राइवेट पार्टी होते हैं, वो कुछ समय के लिए उस ज़मीन बाउंड्री को उस ज़मीन को लीज पर लेते हैं, उस पर अपनी परिसंपत्तियों का निर्माण करते हैं, उसके एवज में सरकार को भुगतान करते हैं रुपये का, जितने समय का लीज होता है, माने 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, 25 साल के लिए, तो उसके लिए सरकार उस परिसंपत्ति का टैक्स लेती है,
एवज उसमें धन लेती है तो उससे सरकार की परिसंपत्तियों में वृद्धि होती है। इसी संदर्भ में यह नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन योजना की शुरुआत की गई। इसके दो NIP के दो रूप है, उसी में से एक नेशनल मोनेटाइजेशन जिसके तहत वित्तियों का जो वित्त का आवंटन करना उसके संबंधित। तो इससे संबंधित बहुत सा न्यूज आप लोग को यहाँ दिया गया। आप की पॉइंट को देखते हैं जो आप लोग की परीक्षा उपयोगी है उसे आप लोगों को जरूर जानना चाहिए। इस जो मोटराइजेशन है पाइपलाइन इसको इसके संदर्भ में आप लोगों को इस की पॉइंट को जरूर जानना चाहिए। वैसे NIP पर विस्तृत वीडियो बनाया जा चुका है, आप लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक में जाके कवर कर सकते हैं, या तो टॉप 10 सीरीज जो आता है करंट का उसमें NIP के संदर्भ में बहुत सी बातें वहाँ बता दी गई है, तो आप लोग वहाँ जाकर कवर कर सकते हैं। चलिए की पॉइंट देखते हैं। इस जो योजना NIP राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन में शामिल परियोजना कौन 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 सी होगी ये आप लोगों को जानना जरूरी है। किस परियोजना के लिए यह पाइपलाइन की आवश्यकता है पड़ी है देश को, तो उसके संदर्भ में आवास, सुरक्षित पेयजल, स्वच्छ पेयजल और स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा आवश्यकता, आधुनिक रेलवे स्टेशन जैसी परियोजनाओं को शामिल किया गया है। तो आप देख सकते हैं जो भी आधुनिकीकरण रेलवे का हुआ है आगामी जो जो कुछ वर्षों में, तो उस संदर्भ में इसे आप देख सकते हैं कि किस तरह यह योजना और भी आवश्यकता हो जाती है। जिस प्रकार रेल में सुविधाएं बढ़ी है, रेल की स्पीड बढ़ी है, रेल का आधुनिकीकरण हो रहा है, अलग फ्रेट कॉरिडोर बन रहा है, विभिन्न स्टेशनों का नवीकरण किया गया है, तो इसके संदर्भ में बहुत सी चीज़ें देखने को मिलेगी। इस संदर्भ में परियोजनाओं को शामिल किया, इन्हीं सभी परियोजनाओं के लिए यह योजना है। नोट आप लोग याद रखना है, NIP यानी शॉर्ट फॉर्म में NIP कहा जाता है, राष्ट्रीय अवसंरचना नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन को, तो उसी संदर्भ में शॉर्ट फॉर्म को ही बोला जाएगा। NIP के क्रियान्वयन में केंद्र की 39% भागीदारी, राज्य की 39% भागीदारी और समान हिस्सेदारी होगी, जबकि निजी क्षेत्र के 22% तक सहयोग की उम्मीद की गई है। तो आप लोग स्पष्ट अभी जान ले इसी से कि यह पूरी तरह निजी नहीं योजना है, निजी हाथों के लिए योजना नहीं है। तो कोई भी न्यूज आपको अगर नेगेटिव बात बताता है कि इससे देश में सारी परिसंपत्तियों को बेच दिया जा रहा है, तो उस बायस से दूर रहिए कि इसमें 39-39 राज्य और केंद्रों का समान भागीदारी है। केवल सिर्फ आपको 22% ही टोटल जो 110 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा गया निवेश का कि लक्ष्य प्राप्त किया जाएगा, तो उसमें आपको केवल 22% ही निजी क्षेत्रों से प्राप्त करना है, वो भी लीज पर दी गई निजी संपत्तियों से। तो इसके संदर्भ में आप समझ सकते हैं छोटी राशि है, इतनी बड़ी राशियों के लिए 22% अगर आपको 39-39 आप लोगों को राज्य और केंद्र दे रहा है, तो ये छोटी राशि ही इसके संदर्भ में है। तो निवेश की आवश्यकता क्यों होगी, क्या होगी, इसके संदर्भ में भी आप लोग को जानना चाहिए। हाल ही में एक टास्क फोर्स गठित की गई थी, आपको टास्क फोर्स का नाम आपको अनुज चक्रवर्ती की अध्यक्षता में टास्क फोर्स गठित की गई थी, जिसने यह बोला कि ऊर्जा क्षेत्र में 24%, शहरी नियोजन में 17%, रेलवे में 12% और सड़क में 18% जैसे क्षेत्रों कुल परियोजना पूंजीगत व्यय से 70% निवेश की आवश्यकता होगी। अगर हम ऊर्जा में 24%, शहरी नियोजन 17% और रेलवे में 12%, सड़क में 18% निवेश करना है, कि बात करें कुल परियोजना का व्यय की बात की जा रही है, तो उसमें आपको 70% निवेश की आवश्यकता होगी, यह अनुज चक्रवर्ती रिपोर्ट टास्क फोर्स के रिपोर्ट में कहा गया। तो आप लोग इस आंकड़ा को जरूर याद रखिएगा, क्योंकि आगामी जो भी एग्जाम होने वाले हैं PT+Mains+Interview आपको वहाँ काम देगा। नेक्स्ट है, NIP में 110 करोड़ रुपये के अधिक लागत वाले सभी ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड परियोजना को शामिल किया गया। तो ये किस परियोजना के लिए है, कि ये ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड दोनों परियोजनाओं के लिए है। तो ये महत्वपूर्ण आपको यहाँ से PT फैक्ट बातें देखने को मिलेगी। वित्त वर्ष 2025 तक 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यह महत्वपूर्ण NIP जो है महत्वपूर्ण योजना है। यह तभी संभव होगा 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था, जब हम लोग अपनी अर्थव्यवस्था में 110 लाख करोड़ का इन्वेस्ट करेंगे। तो इतना का अगर इन्वेस्ट करेंगे तो ही जाके हम इस टारगेट को पूरा कर सकते हैं, इसलिए यह योजना लाई गई है और यह बहुत ही बेहतर योजना है। सर जो हमारे दैनिक जो दैनिक कार्य विधि है उसमें बहुत परिवर्तन लाएगा, हमें जो
आप इसका एग्जाम्पल यहाँ से ही समझ सकते हैं, सिंपल एग्जाम्पल। आज से 10 वर्ष पूर्व अगर मान लिया जाए, रेलवे की स्थिति कैसी थी सभी को पता है। रेलवे किस रूप से सुविधा हमें मुहैया कराती थी, क्योंकि उस समय भी हम लोग सेवाएं लेते थे रेलवे का, पैसा आपूर्ति अपनी जो एसेट है, अपनी संपत्ति उसे देकर उसकी सेवाएं लेते थे। पर उन मूल्यों का जो वैल्यू होता था बहुत ही कम होता है। पर आज अगर उस समय अगर 100 रुपये हम दे रहे हैं, तो 100 के अनुपात में हम लोग 30 से 40% सेवाएं प्राप्त होती थी। पर अभी 100 के प्रति 100% आपको सेवाएं प्राप्त हो रही। कहने का मतलब है, अगर आप 200 का टिकट लेते हैं या रिजर्वेशन में 3200 का टिकट लेते हैं एसी रिजर्वेशन में, तो आपको ये नहीं आभास होता है कि मेरा 200 रुपया जनरल में और 3200 रुपया जो आपको पे किया गया है वो बेफजूल पे हो गया है। उसके लिए रेलवे आप लोग बहुत सी सुविधा देती है। स्वच्छ आपको रेलवे परिसर मिलता है, स्वच्छ बर्थ मिलता है, स्वच्छ व्यवस्थाएं मिलती है। समय समय पर समय के साथ ट्रेनों का परिचालन हो रहा है। कुछ वजहों से समय का परिचालन नहीं हो पाता, पर अधिकतर मामलों में समय समय के साथ। तो ये सब योजनाएं जो हैं आपको आपके मूल्य के बराबर सेवाएं देती है। तो इस प्रकार देख सकते हैं कि ये आवश्यकता हो जाती है आने वाले जो हमारे आगामी जो 2025 और 30 है के 10 जो वर्ष बीतेगा उसके बाद की जो जनरेशन होगी, वो केवल मूल्य के आधार पर सेवाओं का वैल्यू एसेट को आंकेगी। इसीलिए यह बहुत ज़रूरी है कि इसके लिए हमें उस स्थिति को प्राप्त करना है कि जो व्यक्ति जितना मूल्य देगा उसके लिए उतनी सेवाएं उपलब्ध कराने की क्षमता हमारे सिस्टम में हो। ये कॉन्सेप्ट आप लोग जब तक नहीं जानिएगा तब तक इस चीज़ को नहीं समझिएगा। तो सरकार इसी और प्रतिबद्ध है, और विकसित देश जितने भी हैं वो इसी फॉर्मेट पर काम करते हैं। एक पवेड में एक कॉन्सेप्ट होता है, जहाँ होता है कहा जाता है कि राज्य रोल बैक स्टेट। रोल बैक स्टेट आप लोग याद रखिएगा, रोल बैक स्टेट थ्योरी, जिसमें यह कहा जाता है सरकार उन योजनाओं के तहत ही कार्य करेगी जिसमें ज़रूरत सेवाओं का उपलब्धता हो। तो इसके संदर्भ में ही सरकार कार्य करती है। तो इसके भीतर बातें थी जो समझाना बहुत ज़रूरी था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वित्त प्रबंधन कैसे करेगी सरकार इसके संदर्भ में। अतनु चक्रवर्ती जो हैं उसकी अध्यक्षता में गठित टास्क फोर्स के प्रबंधन संबंधी विभिन्न सुझाव दिए हैं। तो क्या सुझाव दिए, अवसंरचना क्षेत्र में निवेश को बढ़ाने के लिए जो म्यूनिसिपल बॉन्ड होता है, बाजार से परिसंपत्ति की बिक्री द्वारा आए, आधारभूत ढांचे की संपत्ति का मुद्रीकरण करना, कॉर्पोरेट बॉन्ड जारी करना, जो कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार से लेना है, आधारभूत अवसंरचना क्षेत्र के वित्तीय संस्थान की स्थापना करना जैसे उपायों को वित्त व्यवस्था की जा सकती है। इसके संदर्भ में टास्क फोर्स ने यह कहा है। तो देखिए ये टॉपिक आप लोग की इम्पोर्टेंट है। म्यूनिसिपल बॉन्ड क्या होता है आप लोग सर्च कर लीजिएगा, आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। परिसंपत्तियों की बिक्री किन किन क्षेत्रों से कहाँ से आय प्राप्त होती है, सरकार को उस टॉपिक को कवर करना है। आधारभूत ढांचे की संपत्ति का मुद्रीकरण कैसे किया जाता है, इस टॉपिक को आप लोग कवर कर लेना है। कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार में कैसे लाया जाता है, कैसे उसे सरकार बेचती है, कैसे उसकी खरीद बिक्री होती है, इसको समझ लेना है। आधारभूत अवसंरचना के लिए जो जो आपको वित्तीय संस्थान जो स्थापना उसके संदर्भ में बात कर रही, तो उसके लिए सरकार किन किन दिशा में कार्य कर रही है, ये आप लोग को कवर कर लेना है पॉइंट। क्योंकि आगामी जो भी पीटी होने वाला है, मेंस होने वाला है, इंटरव्यू होने वाला है, ये टॉपिक से आपको प्रश्न आएगा। यूपीएससी और पीसीएस जो भी एग्जाम हो रहा है उससे ये प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। तो आप लोग इस सबको कवर कर ली नहीं, यहाँ कवर किया जाएगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाता है। ऐसे ही जानते हैं मेरा वीडियो 40 से 45 मिनट का हो जाता है, बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, क्योंकि ये पीटी मेंस और तीनों फॉर्मेट में ओरिएंट होता है इसी के संदर्भ में। तो आप लोग थोड़ा कॉपरेट कीजिए, और नहीं होगा तो इस पर स्पेशल इंपॉर्टेंट टॉपिक में कवर कर लिया जाएगा, चिंता नहीं कीजिए। पर आप लोग प्रयास कीजिए इन सब टॉपिकों को कवर करने स्वयं का, क्योंकि जब तक आप लोग एनालिटिकल जो आप लोग का स्किल नहीं बढ़ेगा, तुलनात्मक अध्ययन करने की शैली नहीं बढ़ेगी, तब तक आप लोग बेहतर नहीं कर सकिएगा। तो थोड़ा बेहतर आप लोग करिए, प्रयास करते रहिए। नोट इसमें आप लोग को याद रखना है, वित्तीय संसाधन को जुटाने के लिए आर्थिक मामलों के विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर, DEA, आप लोग याद रखिएगा इस विभाग को।
को नियंत्रण के लिए संचालन समिति के रूप में कार्य कर रही है। तो एनआईपी के जो भी व्यवस्थाएं होगी वो कौन विभाग कर रहा, आर्थिक मामलों का विभाग करेगा इसके संदर्भ में कार्य, तो आप लोग याद रखिए। अब ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड की चर्चा यहाँ हुई है तो उसे आप लोग जान लीजिए। यह ऐसी परियोजना है ग्रीनफील्ड जिसमें किसी पूर्व परियोजना का अनुसरण नहीं किया जाता, यह पूरी तरह नवीन होता, न्यू होता है परियोजना। मान लीजिए अभी कि कहीं हवाई अड्डा बनाया जाएगा तो ये ग्रीनफील्ड होगा, पर मान लीजिए आप दिल्ली जो नेशनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका पुनरुद्धार करना है तो वो ब्राउनफील्ड हो जाएगा क्योंकि पहले से परियोजना बनी हुई है। एग्जांपल यहाँ पुराना नया समझिए, बस बहुत सी चीज़ें यहाँ लिखी रहती है पर सिंपल वे में यही समझिए, ग्रीनफील्ड का मतलब नवीन कोई परियोजना होगी। और इसके अवसंरचना अपर्युक्त भूमि पर तैयार करने वाले जाने वाले परियोजना जिसमें मौजूदा संरचना को फिर से तैयार करने या ध्वस्त करने की आवश्यकता नहीं होती है उन्हें ग्रीनफील्ड योजना कहते हैं। अर्थात जिस ऐसा भूमि जहां पुनः पूर्ण रूपे नया स्ट्रक्चर खड़ा किया जा रहा है, नया स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, उसी को ग्रीनफील्ड योजना कहा जाता है। ब्राउनफील्ड योजना क्या होता है, जिन परियोजनाओं को संशोधित या अपग्रेड किया जाता है उसे ब्राउनफील्ड, मान लीजिए पूर्व की कोई योजना है उसी का अपग्रेड किया जा रहा है तो उसे ब्राउनफील्ड कहा जाता है, ब्राउनफील्ड योजना कहा जाता है। तो एनआईपी इन दोनों योजनाओं के लिए है और लगभग अभी आपको 7400 के आसपास बहुत सी योजनाओं को इस एनआईपी के तहत शामिल कर लिया गया है, तो समझ लीजिए ये कितनी बड़ी योजना है। तो जो सरकारी योजनाएँ चल रही हैं तो उसको इसमें शामिल किया गया है। मेन्स मॉडल प्रश्न आप लोग को याद रख यहाँ पर आप बना सकते हैं, जैसे टेलीग्राम में आप एक लिंक दिया हुआ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहता है टेलीग्राम से जुड़ने के लिए, जिसमें दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस के नाम से लिंक होगा, आप लोग उसको क्लिक कीजिए और उस लिंक में जुड़िए जिसमें आपको इस मॉडल आंसर को भेजना है, वहाँ आप लोग परीक्षा की तैयारी मेंस मॉडल का तैयारी कर सकते हैं और अपना जो भी व्यू है समझ सकते हैं, उसे देख सकते हैं, जिसका मैं ही खुद एनालिसिस करता हूँ, तो आप लोग इस मॉडल आंसर को वहाँ भेजिए। चलिए देखते हैं मेंस में का मॉडल आंसर प्रश्न क्या है। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन विकसित करने के लिए भारत आवश्यक साधन के रूप में देख रहा है, तो भारत एक आवश्यक साधन के रूप में एनआईपी को देख रहा है, तो क्या यह सत्य के करीब है, युक्तियुक्त विवेचना कीजिए। क्या यह सत्य के करीब है, हमें 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने जो लक्ष्य बनाया गया क्या यह एनआईपी पूरा कर सकता है, तो उस युक्तियुक्त उसको उस अवधारणा को युक्तियुक्त विवेचना कीजिए। इसका फॉर्मेट आप लोग भेजिए और आप लोग इसमें सहयोग कीजिए, इसमें आप लोग भागीदार बनिए ताकि जो भी स्टूडेंट सफलता प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए यह बहुत जरूरी है। पीटी मॉडल प्रश्न क्या है, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन किस वर्ष तक लक्ष्य घोषित किया है, एनआईपी के कुल कितने लाख करोड़ रुपए के निवेश की जो की जाने की अनुमान है, और नेक्स्ट है राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन तथा निजी क्षेत्रों कितना प्रतिशत निवेश का लक्ष्य रखा गया है। तो ये पीटी फैक्ट है और भी बहुत से पीटी फैक्ट निकाले जा सकते हैं, जितना यहाँ न्यूज दिया सभी से पीटी फैक्ट निकाला जा सकता है, पर महत्वपूर्ण पीटी फैक्ट इतना आप लोग देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज है, इस पर आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, पहले ही बताया जा चुका है जातिगत जनगणना किस रूप से, लास्ट वीडियो में आप लोग जाकर देख सकते हैं, दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस में ही किया गया है जातिगत जनगणना क्यों महत्वपूर्ण है। तो इसके संदर्भ में कल 11 सदस्यीय बिहार के जो महत्वपूर्ण दल है उसके 11 सदस्यीय जो पैनल था वो प्रधानमंत्री से मिला है, उसके संबंध में अनुशंसा ली गई है, बहुत सी बातों पर चर्चा की गई है, क्या क्या इसके पक्ष है क्या विपक्ष है, तो इसके बाद देखिए इसके बाद स्थिति क्या होती है जातिगत जनगणना के संबंध में। तो इस पर एक नीचे भी न्यूज़ दिया गया, दोनों को कवर कर लिया जाएगा, आप लोगों को पहले भी बताया गया कि पहले भी आप लोगों को इस पर वीडियो बना हुआ है, तो आप लोग जाकर देखिए, बस कोडिलेट कर लीजिएगा कि इसके पॉइंट को आप लोग ऐड कर लीजिएगा उसके साथ। चलिए नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। हाँ चलिए आप लोगों को एक न्यूज़ यहाँ भी कवर करनी चाहिए, इस तरह सड़क बंद नहीं की जा सकती है, सरकार निकाले हल। जो बार बार देखते हैं बंदी होता है वो किसी का भी बंदी हो, वो छात्र संगठन का बंदी हो या किसान आंदोलन का बंदी हो या किसी प्रकार की मांग के लिए बंद किया गया हो, सार्वजनिक रास्ता जो होते हैं उसके लिए रोड ब्लॉकेज होता है, रेलवे ट्रैक ब्लॉकेज किया जाता है या किसी प्रकार के सार्वजनिक स्थल को ब्लॉकेज किया जाता है, उसी पर केंद्र सरकार जो आपको सुप्रीम कोर्ट है उस पर आई बोला गया, उनके द्वारा बोला गया है क्या केंद्र सरकार स्पष्ट करे क्या जो रोड ब्लॉकेज हो रहा है उसके लिए क्या कदम उठाया है। तो आप यहाँ समझ सकते हैं मूल अधिकार
राज्य के नीति निदेश तत्व अर्थात शक्तियाँ और अनुच्छेद 32 और 226 की चर्चा होगी। तो आप लोग इस न्यूज़ को इस संदर्भ में कवर करिए, क्योंकि ये इतना महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप लोग को हड़ताल करने का अधिकार है। किसी व्यक्ति को लोकतांत्रिक देश में व्यक्ति को लोकतांत्रिक देश में किसी व्यक्ति को हड़ताल करने का अधिकार है, पर अधिकार वो मूल कर्तव्य के साथ होना चाहिए, यह बात स्पष्ट की जाती है। तो इसी संदर्भ में इस न्यूज़ को देखिएगा, इस पर और विस्तृत डिसीजन आ जाने दीजिए, तो उसके बाद इसको की पॉइंट के रूप में इसको शामिल कर लिया जाएगा, क्योंकि अभी नहीं पता है कि सुप्रीम कोर्ट का दिशा निर्देश किस रूप से आएगा, तो इसलिए इस न्यूज़ को अभी कवर नहीं कर रहे हैं, इसका की पॉइंट नहीं दिया जा रहा है। और जब इस पर न्यूज़ आ जाएगा उस पर आपको विस्तृत की नोट दिया जाएगा, तब तक आप लोग इसी संदर्भ में न्यूज़ को देखिए। नेक्स्ट है, आपको नीचे आ जाना है। नेक्स्ट यहाँ पर आप जातिगत जनगणना जब हुई तो आरक्षण को लेकर भी बढ़ेगा दबाव। इस आर्टिकल को जरूर पढ़िएगा, यहाँ पर न्यूज़ बहुत का कवर दिया गया, बस व्यू देखिएगा और पिछले वीडियो के साथ इसके की पॉइंट को ऐड कर लीजिएगा। नेक्स्ट चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं। बहुत से न्यूज़ को इसलिए नहीं कवर किया जाता क्योंकि पहले से ही वीडियोज़ पर बन गया रहता उसी की बात को दोबारा, क्योंकि जब भी की नोट्स बनाया जाएगा उसी के संदर्भ में रहेगा, तो इसलिए दोबारा की नोट्स बनाना उचित नहीं लगता है, बार बार एक ही चीज़ को बताना। आप लोग जाके की नोट्स वहाँ जाकर देख सकते हैं, बाकी चीज़ें जो महत्वपूर्ण है जो नया होगी उसकी चर्चा जरूर की जाएगी, आप लोग इसके लिए निश्चिंत रहिए। नेक्स्ट यहाँ आप लोग को ये न्यूज़ जरूर कवर करनी चाहिए, आज किसी भी हाल में देश के गरीबों और भुखमरियों को मुक्त बनाने के लिए पंचायतों की अहम भूमिका है। तो पंचायती राज व्यवस्था किस रूप से प्रभावी हमारे सिस्टम में, ये तो सबसे पहले आप लोगों को जाननी चाहिए उसके संबंधित बातों को। इसके साथ साथ बहुत सी योजनाओं की यहाँ चर्चा गिरिराज सिंह जो माननीय मंत्री हैं उनके द्वारा किया गया है। जैसे भारत को लक्ष्य रखा गया 2030 तक भुखमरी मुक्त भारत, जो भुखमरी मुक्त भारत अभियान का लक्ष्य रखा गया उसके संदर्भ में जीरो हंगर इंडेक्स के रूप में, जीरो हंगर के संदर्भ में अभियान चलाया जाएगा 2030 तक, इसका लक्ष्य रखा गया। उसके साथ साथ मनरेगा योजना, फिर उसके बाद वैश्विक भुखमरी सूचकांक, जिसकी जिसकी चर्चा करो आप लोग उस टॉपिक को जरूर देखिएगा। नेक्स्ट है आप लोगों को बैंक खाता, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना, महिला सशक्तिकरण के दिशा में स्वयं सहायता समूह की भूमिका। नेक्स्ट है आपको पंचायती रूज में जो कार्य कर रहा है पंचायती संगठन उसके लिए आपको देखना, पशुपालन कृषि डेयरी संबंध में जो स्वयं सहायता कार्य कर रहे उसके संदर्भित चीज़ें देखनी है। नेक्स्ट आप लोग को यहाँ ये देखना कृषि और खाद्य संगठन का जो डाटा 2050 तक क्या आंकड़ा दिया गया उस पर चर्चा की जाएगी, तो इससे संदर्भित आप लोग चीज़ें देखनी है। इम्पोर्टेंट टॉपिक में आप लोग को ये कवर कराया जा चुका है, वन राशन वन जो पेंशन जो है सॉरी वन राशन वन नेशन वन राशन जो कार्ड योजना है उस पर भी आप लोग कवर कराया जा चुका है। जीरो हंगर जो इंडेक्स है उसके संदर्भ में चर्चा कराया जा चुका है, और इसके पंचायती राज के संदर्भ में जो भूमिका उस पर स्पेशल इम्पॉर्टेंट टॉपिक में कवर कराया जाएगा, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि उस पर सारे डायग्राम को किस रूप से पंचायती राज हमारे सिस्टम में हमारे व्यवस्थाओं में कार्य करती है, उसकी क्या भूमिका है, उसका क्या लक्ष्य है, सभी पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। आज के इस न्यूज़ से की पॉइंट आप लोग को ये देखने को मिलेगा जो महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले जब भी भुखमरी गरीबी इस सब संदर्भित बातें की जाए तो आपको सतत विकास लक्ष्य की बात करनी है, उसके लिए ब्रटलैंड आयोग की कोर्ट को शामिल करना होगा, क्योंकि जब आप ये कोर्ट को शामिल करते हैं तो बहुत ही बेहतर आपका प्रश्न उभर कर सामने आएगा, उसका आंसर प्रश्न का जो उत्तर होगा बहुत ही बेहतर उभरेगा और अच्छे नंबर प्राप्त होने की संभावना प्रबल रहेगी। जैसे 1987 में ये ब्रटलैंड आयोग जो गठित किया गया उसके अनुसार क्या बोला गया, विकास ऐसा होना चाहिए जो वर्तमान की जरूरतों की पूर्ति इस प्रकार करे जिसे भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता पर असर ना हो, अर्थात वर्तमान की जरूरतें की पूरी ऐसी करनी है, व्यवस्था ऐसी लानी है जिससे भविष्य की जो संसाधन उसका दोहन अत्यधिक ना हो, उनके लिए उपयोगी बने रहे, वो अपने अपने पीढ़ी में अपने संसाधन का उपयोग करे। तो इसके लिए यह आयोग का रिपोर्ट, इस कोर्ट को आप लोग को हमेशा याद रखना है, इस कोर्ट को आप लोग हर जगह यूज़ कीजिएगा, जहाँ भी भुखमरी गरीबी विकास का कॉन्सेप्ट आए वहाँ पर आपको ये रिपोर्ट की जो आयोग का अनुशंसा था उस पर कहा गया जो कोर्ट था वो आप लोग को याद रखना चाहिए। सतत विकास लक्ष्य
क्या है इसके संदर्भ में आप लोग सबसे पहले जानने चाहिए, क्योंकि बीपीएससी मेंस में आपको पूछा जा चुका है, यूपीएससी मेंस में पूछा जा चुका है, इंटरव्यू में पूछा जा चुका है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, और मैंने कुछ दिन पहले ही बताया था इसे, इस लक्ष्य को आप लोग जो SDG लक्ष्य है उसे आप भारतीय प्रस्तावना की तरह रट जाइए, याद कर लीजिए, अपने जहन में डाल लीजिए, क्योंकि जब तक यह लक्ष्य पूर्ति नहीं होगा तब तक यह किसी न किसी रूप से यह आपके अध्ययन अध्यापन के लिए महत्वपूर्ण सामने आते रहेगा, महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में सामने आते रहेगा। इसलिए जितना जल्दी हो आप लोग इसे याद कर लीजिए। चलिए देखते हैं क्या है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2015 में अनुमोदित किया गया सतत विकास लक्ष्य एजेंडे के तहत 17 मुख्य और 169 सहायक लक्ष्यों को, तो मेन जो इसका लक्ष्य था 17, SDG जो लक्ष्य 17 बोला जाता, पर इसके सब आर्टिकल जो थे 169 थे, तो समझ सकते हैं कितना बड़ा लक्ष्य देशों के सामने रखा गया था। और इसे प्राप्त करने के लिए बहुत से कार्य किए भी जा रहे हैं, बहुत से प्रगति की भी गई है। इस पर विस्तृत वीडियो बना हुआ है, DNA में कवर किया जा चुका है, तो आप लोग जाकर वहाँ वीडियो देख सकते हैं। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि हमारा फॉर्मेट ऐसा है, अगर एक एक टॉपिक को आप कवर करते हैं तो उससे विस्तृत जो भी बातें हैं की गई है, वो आने वाले कोई भी एग्जाम हो एक से दो वर्ष के लिए, उसमें आपको कहीं ना कहीं जरूर काम देगा। इसलिए सीरियस होकर चीज़ों को पढ़िए, क्योंकि यह एक्सपीरियंस के आधार पर किया जा रहा है, और ऐसा फॉर्मेट आप लोग आज तक कोई भी यूट्यूब या क्लासेज आप लोगों को नहीं लाया है, जिससे आपको एक टॉपिक से आपको आगामी एक दो साल जो एग्ज़ाम होने लगे उसके सारे सब टॉपिक को कवर कराया जाता हो। तो आप लोग कॉपरेट कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, ताकि और भी हम लोग मोटिवेट हो, बेहतर आप लोग के लिए फॉर्मेट लाया गया, प्रयास किया जा रहा है हमारे युक्ति परिवार के द्वारा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। इस विकास लक्ष्य, सतत विकास लक्ष्य का क्या था, उद्देश्य क्या है, अधिक संपन्न, समतावादी और संरक्षित भविष्य की रचना करना, जो के लिए 2030 तक भूखमरी, गरीबी, लैंगिक विषमता को शून्य स्तर तक लाना, और बेहतर स्वास्थ्य, स्वच्छ पेयजल, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक सभी नागरिकों समान पहुंच को सुनिश्चित करना। तो देख सकते हैं 2030 तक क्या क्या लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो इसके लिए शून्य आधारित गरीबी लाना, भूखमरी लाना, लैंगिक विषमता को शून्य स्तर पर लाना, जीरो लेवल पर लाना है, और बेहतर स्वास्थ्य, स्वच्छ पेयजल, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सभी नागरिकों के लिए पहुंच को सुनिश्चित करना है। विश्व के सभी देशों के लिए निर्धारित किया गया है। तो यह कितना उचित है, कितना अनुचित है, इसके अलग विषय हैं। इस पर कितना कार्य किया जा रहा है अलग विषय है, इसके लक्ष्य प्राप्ति कितनी हुई अलग विषय है, पर इसका लक्ष्य क्या है, यह 2015 में लक्ष्य रखा, यह MGD गोल था, जो सॉरी MDG गोल था, उसी का संशोधित रूप है SDG। तो MGD भी आपको लक्ष्य निर्धारित किया था, तो ये दोनों कोऑर्डिनेट करके आप लोग चीज़ों को देखिएगा। नेक्स्ट है विश्व खाद्य सुरक्षा पोषण स्थिति की रिपोर्ट, जहां या यहां पर कहा गया था 2050 तक की स्थितियां भयावह होगी, तो उसके संदर्भ में क्या रिपोर्ट कहता है उसके देख लेते हैं, क्योंकि यह बहुत ज़रूरी है। नवीनतम संस्करण यह जारी किया है 2021 में, स्टेट फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड, इसको सोफी नाम भी दिया गया है, तो आप लोग याद रखिएगा सोफी अगर कहीं चर्चा मिले तो किस रूप से किस रिपोर्ट की चर्चा हो रही है। विश्व खाद्य सुरक्षा और पोषण स्थिति रिपोर्ट, एक सेकेंड, चलिए, विश्व खाद्य सुरक्षा पोषण स्थिति रिपोर्ट, जिसे शॉर्ट में सोफी बोला जाता है, कि नवीनतम वर्ष 2021 जुलाई में आया था लगभग, तो इसके संदर्भ में देख लेते हैं क्या बातें हैं। इसे 5 संगठनों द्वारा मिलकर संयुक्त रूप से तैयार किया गया, आप लोग संगठन को सर्च कर लीजिएगा किस किस संगठन द्वारा। तो इसके संदर्भ में यहाँ नवीनतम संस्करण 2021 में कहा गया है कि महामारी अर्थात कोविड की बात यहाँ की जा रही है, महामारी के और उसके प्रभाव सीमित करने सरकार विफलता रही है के कारण देश में भुखमरी और खाद्य असुरक्षा व्यापक उल्लेखनीय विधि, ये भारत के संदर्भ में रिपोर्ट का बात हो रही है, विश्व के संदर्भ में नहीं। तो भारत के संदर्भ में यह बात बोली गई है कि सारक सरकार विफलता रही है, भुखमरी और खाद्य सुरक्षा व्यापक उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, यह रिपोर्ट का कहना है। परिस्थितियाँ कुछ और भी हो सकती है, डाटा के अनुसार, भारत सरकार के डाटा के अनुसार या हमारे व्यवहारिक डाटा के अनुसार भी यह कहा जा सकता है कि भुखमरी के कारण कोविड के दौरान किसी भी भारतीय की मौत नहीं हुई है, क्योंकि सरकार ने अन्य प्रोग्राम जो चलाया था तो वो बहुत ही कारगर साबित हुआ, प्रत्येक व्यक्ति तक जो BPL परिवार उनको जो अन्न मुहैया कराया जा रहा है पिछले
वर्ष से यह बहुत ही कारगर रहा है। इसके संदर्भ में और भी इसकी इतर बातें हो सकती है, जो नेगेटिविटी हो सकता है उसमें, वो अलग विषय का मुद्दा है। पर खाद्य इस दौरान विफलता की सरकार जो है अन्य विफलता के कारण हो सकते हैं, और भी बहुत से कार्य में भी सरकार विफल जरूर हुई है, पर खाद्य के संदर्भ में यह सरकार पिछले 1 वर्ष से, आप लोगों को 1 से 1.5 वर्ष से, जो जब से कोविड आया है, सरकार गरीबों के लिए अन्न जो मुहैया करा रही योजना के तहत, गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत, वो बहुत ही प्रशंसनीय है। उसके बाद नेक्स्ट है, रिपोर्ट के अनुसार खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में बातें क्या की गई है, इसे देख लेते हैं। भारत वर्ष 2018 से 20 की अवधि के बीच गंभीर खाद्य असुरक्षा की व्यापकता के लगभग 6.1% अंक में वृद्धि हुई है। खाद्य जो असुरक्षा की व्यापकता, उसमें कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है, 6.8% की वृद्धि हुई है। ये बात कही गई है 2018-19 के बीच के रिपोर्ट के आधार पर। मध्यम से गंभीर खाद्य असुरक्षा के सामना करने वाले व्यक्तियों की संख्या 9.71 करोड़ की वृद्धि हुई है, तो लगभग 10 करोड़ की वृद्धि हुई इसके रिपोर्ट का कहना है। खाद्य असुरक्षा वर्ष 2019 में लगभग 31.6% से बढ़कर 38.4% की वृद्धि हो गई, लगभग 7% की वृद्धि बात की जाती है। तो इस संदर्भ में डाटा को देखना है। सब्सिडी पात्र लाभार्थियों का गरीबी से नीचे अर्थात BPL दर्जा नहीं होने के कारण अर्थात आधार पर अंतर्विरोध हुआ है, यह जरूर हकीकत है। अंतर्विरोध होता है BPL के रूप में किसी परिवार की पहचान करने का मापदंड अलग अलग राज्यों में भिन्न होता है, इसी के लिए वन राशन वन कार्ड योजना सरकार ला रही है। तो देखिए किस संदर्भ में किस योजना को लाया जाता है, आप लोगों को यह जानना चाहिए। इस रिपोर्ट की चर्चा अभी हो रही है, पर सरकार को निर्देश जरूर मिला होगा पहले इस संदर्भ में कार्य कीजिए कि जो अंतर्विरोध उत्पन्न होता है, तो उसी के संदर्भ में बहुत सी योजनाओं को सरकार लाती है। तो वन नेशन वन राशन कार्ड योजना इसी के संदर्भ में आई है, तो इस अंतर्विरोध को समाप्त करने के लिए नोट आप लोग यह याद रखना चाहिए क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। भारत विश्व खाद्यान्न में सबसे बड़ा भंडार वाला देश है। जुलाई 2021 का डाटा है, जो 120 मिलियन टन भारत में खाद्यान्न भंडार है। नेक्स्ट है, यहाँ विश्व की खाद्य असुरक्षित आबादी का लगभग 1/4 हिस्सा मौजूद है। लगभग 1/4 भाग यहाँ हमारा खाद्य असुरक्षा आबादी से उसको झेलता है। तो इसके संदर्भ में आपको बातें याद रखनी है। वर्ष 2020 में वैश्विक स्तर पर 237 करोड़ से अधिक लोग खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं। वैश्विक स्तर पर कितना लोग कर रहे हैं, 237 करोड़। इसके संदर्भ में 2019 की तुलना में इसकी संख्या 32 करोड़ की वृद्धि हुई है। तो 2019 और 2020 में कितने करोड़ की वृद्धि हुई है, 32 करोड़ की वृद्धि हुई है इसमें। नेक्स्ट है, आपको सिर्फ दक्षिण एशिया वैश्विक खाद्य असुरक्षा 36% का वहन करता है। दक्षिण एशिया की बात की जाए, जिसमें हमारे देश के साथ जो दक्षिण एशिया के देश हैं, जो 7 देशों के रूप में माने जाते हैं, आपको उसमें 36% की वहन करता है कुल जो वैश्विक खाद्य असुरक्षा है उसमें। सतत विकास लक्ष्य 2 जीरो हंगर की बात यहाँ की गई थी, उसी की चर्चा की गई है। तो सतत विकास लक्ष्य जो 2 है वो जीरो हंगर की बात करता है, उसी संदर्भित बातों को देखते हैं। जीरो हंगर का लक्ष्य कई अन्य लक्ष्यों जैसे गरीबी उन्मूलन SDG लक्ष्य 1, बेहतर स्वास्थ्य एवं कल्याण SD लक्ष्य 2 और स्वच्छ पेयजल SD लक्ष्य 6 के साथ मिलकर काम करता है। हंगर की जब बात करें, जीरो हंगर की जब बात की जाएगी, तो SDG लक्ष्य 1, 2 और 6 की भी बात साथ में की जाएगी। इसके साथ और भी लक्ष्य जो इससे जुड़ा होता है अपरोक्ष रूप से, उसकी भी चर्चा की जाएगी। नेक्स्ट है, सतत विकास लक्ष्य 2 यानी जीरो हंगर को प्राप्त करने का लक्ष्य COVID-19 महामारी के दौरान प्रभावित हुआ है। जरूरी यह जरूर आंकड़ा है, यह बहुत माना जा सकता है कि नहीं, हाँ यह आंकड़ा कि COVID-19 के द्वारा जो कार्य प्रगति हो रहा था इस संदर्भ में, तो उसे कुछ न कुछ प्रभावित हुआ है, उस पर कुछ अतिरिक्त दबाव बढ़ा है। इससे संबंधित जब जीरो हंगर की बात की जाए, तो उससे संबंधित और भी लक्ष्य जो संदर्भित होते हैं अप्रत्यक्ष रूप से। अगर जीरो इंडेक्स कम होता है तो शिक्षा में बढ़ावा मिलेगा, इसको SDG 4, लैंगिक समानता SDG 5, अच्छा कार्य आर्थिक विकास SDG 8, असमानता में कमी SDG 10,
शहरी स्थायी शहरी शहर और समुदाय SDG 11, और शांति न्याय मजबूत संसाधन संस्थान जो होंगे SDG 16, साझेदारी के लिए लक्ष्य SDG 7 जो पैटर्न है, सॉरी यहाँ खपत लिखा गया है, पैटर्न और स्वस्थ आहार विकल्प के को प्रभावित करता है। कहने का मतलब है कि जब जीरो हंगर की हम बात करेंगे तो SDG 2, 6 की तो बात करेंगे ही, 1, 2, 6 की तो बात करेंगे ही, पर इसके साथ ही आपको, एक सेकेंड, हाँ चलिए, यहाँ पर SDG 4, 5, 8, 10, 11, 16, 16 और 17 की भी साथ में चर्चा होगी जो अप्रत्यक्ष रूप से इससे जुड़ा होता है। तो समझ सकते हैं जब गरीबी और भुखमरी की बात हो रही है कितने बड़े क्षेत्र को कवर करती है। अगर जीरो और जीरो इंडेक्स का लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जाए तो इन लक्ष्यों को भी अपरोक्ष रूप से प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए बार बार सरकार को जन कल्याण संबंधी कार्यों के लिए गरीबी और भुखमरी पर विशेष बल देने की आवश्यकता होती है, और सरकार इस पर विशेष बल देती है। तो इसलिए आप समझिए, इस संदर्भ में आप लोगों को बातों को देखना है। कहीं भी प्रश्न आए गरीबी और भुखमरी के संदर्भ में SDG का लक्ष्य जो आपको इस पर चर्चा की गई है उसकी भी चर्चा जरूर साथ में करिए, तो आपका आंसर जो फॉर्मेट होगा बेहतर होगा। चलिए मेंस मॉडल प्रश्न का आप देख लेते हैं, उसे आप लोग आंसर इसका आंसर टेलीग्राम चैनल पर सेंड कीजिए। उसके लिए जुड़ना होगा, जिसके लिए आप लोगों को लिंक दिया रहता डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस के का लिंक है, उस पर क्लिक कीजिए और जुड़ जाइए, वहां पर आंसर फॉर्मेट सेंड कर सकते हैं। सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने समग्र विकास योजना क्या होनी चाहिए स्पष्ट करिए। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकारों का एक समग्र योजना क्या होनी, वर्तमान योजना तो जो है सरकार द्वारा की जा रही है वो सही है, युक्ति जो सभी देशों के साथ जुड़कर एक समग्र योजना बनाने की जरूरत है, क्योंकि सभी देश किसी न किसी रूप से अपने स्तर पर कार्य कर रहे हैं, कार्य प्रगति की जा रही है, पर एक समग्र योजना और भी व्यापक रूप से लाने की आवश्यकता है, जिसमें सभी देश एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। उसके लिए आप कार्य कर सके, उसके संदर्भ में योजना के विकास के संदर्भ में आप लोग बात कीजिए, उसके संदर्भ में अपना आंसर मॉडल सेंड कीजिए। पीटी फैक्ट देखते हैं इसके संदर्भ में क्या है। पीटी फैक्ट आपको, और बहुत सा पीटी फैक्ट यहाँ मिलेगा जितना SDG की बात हुई है उसके संदर्भ में, आपको 0 100 जो है सतत विकास लक्ष्य के किस लक्ष्य बिंदु से संदर्भित या किस लक्ष्य में 0 इंडेक्स की बात की गई है उसको बताना है। नेक्स्ट है, भारत कितना मिलियन टन के साथ विश्व खदान में सबसे बड़ा भंडार देश है, इसके संदर्भ में आप लोग पीटी में बात करना है, कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं या टेलीग्राम पर सेंड कर सकते हैं। सोफी रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है, इसके संदर्भ में पीटी फैक्ट बातें की जानी है। नेक्स्ट आप लोग को न्यूज कवर करनी है, उसको देख लेते हैं क्या है। देखिए बहुत से न्यूज तालिबान से संबंधित है, उससे संबंधित बातें हैं, उससे आप देख लेना। अब शरणार्थी की बात यहाँ हो रही है, की जा रही है, शरणार्थी की बात उसे भी देख लेंगे क्या है, शरणार्थी का चर्चा परिचर्चा, एक सेकेंड। यहाँ पर की पॉइंट आप लोग का शरणार्थी के संदर्भ में बहुत सी मिल जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त संबंधी कार्यालय में अफगानी शरणार्थियों ने प्रदर्शन किया, उन्हें कार्ड जारी करने की बात की जा रही है, और भी बहुत सी बातें आप लोग यहाँ देख लीजिएगा। की पॉइंट देखते हैं इसका क्या है। संयुक्त शरणार्थी उच्चायुक्त की रिपोर्ट के अनुसार 2019 के अंत तक 17.5% मिलियन जो लोग थे विभिन्न कारणों से स्थापित हुए। रिपोर्ट UNSCR की रिपोर्ट 2019 के जो जुलाई में 2020 में जारी किया गया है, तो इसके संदर्भ में आप लोगों को चीज़ें देखनी है। तो कितने मिलियन लोग, लगभग 80 मिलियन लोग इससे विस्थापित हुए हैं किसी न किसी रूप से कि शरणार्थी के रूप में। वैश्विक आबादी का लगभग 1% है। अभी वैश्विक आबादी कितना है कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए, तो इसके संदर्भ में चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। शरणार्थी कौन होते हैं वो जानना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि बार बार ये प्रश्न में आप लोगों को पीटी मेंस और इंटरव्यू, पीटी में तो इसके पीटी फैक्ट पॉइंट पूछे जाएंगे, पर मेंस और इंटरव्यू के लिए आप लोगों की बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अगले 1-2 साल के लिए होने वाला है। जब तक अफगान मुद्दा जिंदा रहेगा तब तक आपको यह प्रश्न पूछा जाएगा। नेक्स्ट है, ऐसे व्यक्तियों से होता है शरणार्थी जिसे उत्पीड़न युद्ध हिंसा के कारण उनके देश से भागने के लिए मजबूर होता है। तो देखिए
इसके संदर्भ में, अफगान के संदर्भ में आप इस चीज़ को देख सकते हैं, उत्पीड़न हो रहा, युद्ध या हिंसा के कारण देश से भागने के लिए मजबूर हुए हैं लोग, इसके संदर्भ में शरणार्थी वो गिने जाते हैं। अधिकांश शरणार्थियों में नस्ल, धर्म, राष्ट्रीयता, राजनीति, राय और किसी विशिष्ट समूह की सदस्यता के कारण उत्पीड़न का भय होता है। तो आप समझ सकते हैं तालिबान के संदर्भ में लोगों में भय है, तो इसी के संदर्भ में लोगों अफगानिस्तान से लोग अपना घर बार सब छोड़कर भाग रहे हैं, पूरी संपत्ति एसेट को छोड़कर भाग रहे हैं। जान भी बचेगा तो लाखों उपाय किया जा सकता है। कोई भी कहावत आता है तो क्यों आता है आप लोग समझ सकते हैं, जान बचे तो लाखों उपाय का कहावत आप लोग सुनते होंगे, तो उसके संदर्भ में भी चीज़ें देख सकते हैं। तो नेक्स्ट आप लोग, नया नहीं है वैश्विक शरणार्थी संकट, या कोई नया अफगानिस्तान में जो शरणार्थी संकट है वो नया नहीं, इससे पूर्व भी बहुत से संकट आए हैं, तो वो कौन कौन से देख लेते हैं। वैश्विक संकट, शरणार्थी संकट की उत्पत्ति सर्वप्रथम द्वितीय विश्व युद्ध 1939 और 1945 के बीच है, उससे पूर्व भी शरणार्थी की समस्या रही थी, पर आंकड़ों के संदर्भ में इसे द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में ही शामिल किया गया था। उससे पहले भी बहुत से शरणार्थी घटना होती थी, रही है और रहती भी होंगी। जब भी एक दूसरे राज्य के साथ लड़ाई झगड़ा होता होगा, हिंसा मारकाट होता होगा, जमीन बाउंड्री संबंधित और भी बहुत सी चीज़ों को लेकर, तो शरणार्थी का मुद्दा जरूर उठता होगा। पर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह स्थिति स्पष्ट रूप से आंकड़ों के रूप में सामने आने लगी, क्योंकि आपको उसके बाद जो शरणार्थी उच्चायुक्त थे उसकी स्थापना की गई थी, उसके बाद यह आंकड़ों के साथ बात करने लगा था। इसलिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लगभग यूरोप में 40 मिलियन लोगों को स्थापित होना पड़ा था। तो आंकड़ा आप लोग याद रखिएगा कि कितना कब हुआ है, यह आंकड़ा आम नहीं है, बहुत बड़ी संख्या होती है। भारत विभाजन के समय भी तकरीबन 14 मिलियन लोगों को पलायन करना पड़ा था, शरणार्थी के रूप में किसी न किसी रूप से वो प्रभावित है। नेक्स्ट है वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी, जॉर्डन, सीरिया और लेबनान से में तकरीबन आपको 7.5 लोगों के लिए पलायन की स्थिति आप लोगों को देखनी पड़ी, 75 लाख के आसपास आप लोगों को यह स्थिति देखने को मिल रही है। नेक्स्ट है वर्ष 1981 में वर्ष 1989 के बीच, 81 से 89 के बीच आपको मध्य अमेरिका में गृह युद्ध के दौरान लगभग 2 मिलियन लोगों का विस्थापित होना पड़ा था। तो इस सब चीज़ों को आप लोगों को देखना है। वर्ष 1971 में जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ, उसमें पूर्वी बंगाल के तकरीबन 10 मिलियन लोगों का पलायन हुआ था। तो देख सकते कितनी बड़ी संख्या आप लोग पलायन शरणार्थी के रूप में देखने को मिलती है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी संधि क्या है, जब भी इसकी शरणार्थी की चर्चा होगी या बात की जाएगी तो इस संधि की चर्चा जरूर होगी, तो आप लोगों को इसको जानना चाहिए। इसमें शरणार्थियों की परिभाषा, उसके अधिकार, हस्ताक्षर, देश में शरणार्थियों के प्रति जिम्मेदारी से संबंधित प्रावधान है। जो भी इससे हस्ताक्षर इस संधि पर किए होंगे उसके संदर्भ में सब चीज़ों को देखने की बात की गई है। यह संधि जाति, धर्म, राष्ट्रीयता, किसी विशेष सामाजिक समूह, संबलता, पृथक राजनीति विचारों के कारण उत्पीड़न और अपना देश छोड़ने मजबूर लोगों के अधिकारों के संरक्षण प्रदान करता है। यह संधि वर्ष 1948 में मानवाधिकार के सार्वभौम घोषणा, इसे आप लोग की पॉइंट के रूप में जरूर आप लोग शामिल कीजिएगा, इस पर विस्तृत चर्चा आप लोग देख लीजिएगा, इसे सर्च जरूर करके अपने आंसर आईटी में शामिल कर लीजिएगा कि मानवाधिकार सार्वभौम घोषणा क्या है 1948 का, के अनुच्छेद 44 से प्रेरित है या शरणार्थी जो 1951 का जो संधि है संदर्भ में। UDHR किसी अन्य देश से पीड़ित व्यक्ति को शरण मांगने का अधिकार प्रदान करता है, जो घोषणा है इसके संदर्भ में मानवाधिकार का सार्वभौमिक घोषणा क्या है उसके संदर्भ में क्या बोलता है शरणार्थी, तो शरण मांगने का अधिकार उसे देता है, सार्वभौमिक अधिकार है। अगर कोई देश अफगानिस्तान में अगर तालिबान के द्वारा मारकाट हो रही है, उसके लोगों के द्वारा विस्थापित हो रहा है, लोग एक अपने देश को छोड़कर किसी देश में भाग रहे हैं, तो उसका अधिकार है किसी देश में जाने के लिए, और उस संबद्ध देश से या उपेक्षा की जाती है, अपेक्षा की जाती है कि उसे शरण देगा। पर ऐसी स्थिति नहीं होती है, जितना लिखा जाता उतना होता नहीं है। बहुत से मुस्लिम कंट्रियों ने जो उसके आसपास के, जैसे तुर्की ने ही अपने ईरान के बॉर्डर को सील कर दिया, ईरान ने भी कुछ बॉर्डर को सील किया है, उसके अब कजाकिस्तान ने भी अपने बॉर्डर को सील किया है। देख सकते हैं कि उसके आस पड़ोस के देश ही ने अपना बॉर्डर सील किया। उसी प्रकार भारत भी बांग्लादेश के संदर्भ में, जो बांग्लादेश शरणार्थी है उसके संदर्भ में बॉर्डर को सील करता है। तो इसके संदर्भ में देख सकते हैं जो लिखा रहता है वो स्थितियाँ होती नहीं हैं।
नेक्स्ट है, नोट है, भारत इस संधि का अभी समय का पक्षकार नहीं है। जो पहले भी वीडियो, लास्ट वीडियो जो बना था शरणार्थी के संदर्भ में, वहाँ बातें की गई थी। तो अभी समय का पक्षकार नहीं है, भारत नैतिकता के आधार पर लोगों को शरण देता है और सरकार इसके लिए किन रूपों से कार्य करता है। यह संधि युद्ध अपराधियों और आतंकवाद से जुड़े व्यक्तियों से शरणार्थी को मान्यता के रूप नहीं देता है। अर्थात कहने का अर्थ है, जो शरणार्थी अधिनियम 1951 है उसमें युद्ध अपराधियों आतंकवाद से जुड़े व्यक्तियों को शरणार्थी के रूप में मान्यता नहीं देता है। तो कोई भी युद्ध अपराधी हो तो उसके संदर्भ में आतंकवाद से जुड़े लोग होंगे, उसे शरणार्थी नहीं माना जाएगा। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त जो शरणार्थियों को जीवन बचाने, उसके अधिकारों की रक्षा करने और उसके लिए बेहतर भविष्य के निर्माण करने के प्रति समर्पित है। इसकी स्थापना 1950 में हुई, मुख्यालय कहाँ, जनेवा स्विट्जरलैंड में, जो पूर्व में ही चर्चा की जा चुकी है। लास्ट वीडियो आप लोग देखते हैं तो आप लोग जो भी लोग देखे होंगे उनको ये पता होगा, जो नहीं देखें जाके जरूर देखिए। विभिन्न कानूनों, जैसे भारत में क्या है, भारत में शरणार्थी संबंधी कानून क्या, विभिन्न कानूनों के साथ है, जैसे पासपोर्ट, भारत प्रवेश अधिनियम 1920, विदेशी कानून 1946 इत्यादि ध्यान में रखकर शरणार्थियों का आश्रय याचिकों पर प्रवेश संबंधी विचार किया जाता है। इसके लिए भारत पूरी तरह अपने स्वनिर्विवेक पर कार्य करता है। मेंस मॉडल प्रश्न आप लोगों को यहाँ देखने की जरूरत है, आप लोग टेलीग्राम पर सेंड कीजिए। वैश्विक संकट शरणार्थी आज एक वैश्विक संकट रूप में उभर रहा है, इस संबंध में नवीन अवधारणा अपनाने की आवश्यकता है। पूर्व के जो बहुत से यूरोपीय देशों के संदर्भित शरणार्थी योजना बोला जाता है भारत के द्वारा, तो जो विकासशील देश है उसके संदर्भ में भी इस शरणार्थी जो 1951 का अधिनियम है, एक्ट है और संधि है, उसके संदर्भ में बातें की जानी चाहिए वैश्विक संदर्भ के आवश्यकताओं को देखते हुए। तो इस पर अपना सहमति बताइए, क्या इस बात से सहमत है, युक्तियुक्त आधारों पर विवेचना कीजिए। तो आपको मेंस और मॉडल आंसर आप लोग सेंड कीजिए। नेक्स्ट पीटी प्रश्न आप लोग यहाँ से, संयुक्त शरणार्थी संधि 1951 भारत ने कब अपनाया और UNHCR का मुख्यालय कहाँ है। पीटी फैक्ट बहुत से निकाले जा सकते हैं, पर मुख्य पीटी फैक्ट आपको यहाँ से देखना है, कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं या टेलीग्राम। और भी बहुत से न्यूज है, पर पीटी, मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट, यही तीन न्यूज कवर था। आप इसे जरूर आज देखिएगा, क्योंकि सुशासन के प्रतिमूर्त अवसान क्या होते हैं, इसके संदर्भ में यूपी के CM के द्वारा ये बताया गया है। इसके संदर्भ चीज़ों को आप लोग वहाँ से की फैक्ट निकालिएगा। नेक्स्ट आप लोगों को वायु प्रदूषण के सुधार के बाद समग्र प्रयास के संदर्भ में बातें की गई है अविनाश चंचल के द्वारा, तो इसमें बहुत सी बातें की गई। ग्रेवेज नीति जो ऑटोमेटिक स्क्रैपेज जो नीति आई हाल में, उसके संदर्भ में बातें की गई, इस पर लास्ट वीडियो आप लोग जा देख सकते हैं, वहाँ पर बातें की गई है और भी बातें यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट आप लोग को पैरा एथलीट महाकुंभ का आगाज आज से हो रहा है, तो इसके संदर्भ में बहुत सारे की पॉइंट आपको पीटी फैक्ट मिलेंगे, तो आप लोग इस पर नज़र बनाए रखिएगा। इसी के साथ आज की न्यूज़ में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो जो भी आएंगे कल, उसके संदर्भ में अमर अरविंद आप लोगों से विदा लेता हूं। आप लोग चैनल को शेयर करते रहिए और भी लोगों को जोड़िए, ताकि हम लोग और भी मोटिवेट हो सकें। और तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।